दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य अकेडमी रीवा। विंध्य क्षेत्र के सतना के वीर सपूत शहीद शंकर प्रसाद पटेल की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो गया। भारत माता की जयकारे के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई देने के कार्यक्रम उनका गृह ग्राम नौगांव में ही हुआ। शहीद के बड़े बेटे संजय पटेल ने मुखाग्नि दी। पूरे सैन्य सम्मान से जब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही थी तो हर एक आंख नम थी और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद शंकर पटेल के लिए गर्व भी था। गौरतलब है कि शहीद शंकर प्रसाद पटेल सतना के मैहर स्थित नौगांव के रहने वाले थे। शहीद शंकर प्रसाद पटेल CISF के ASI पद पर पदस्थ थे। हाल में ही जम्मू के सुजवा में हुए आतंकी हमले में वो शहीद हो गए। उस वक्त CISF के वाहन में 15 जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा था और उसी समय आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया जिसमें 6 सेना के जवान घायल हो गए। इसी हमले में सतना के मैहर निवासी वीर सपूत शंकर प्रसाद पटेल आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। आज शहीद शंकर प्रसाद पटेल का उनके गृह ग्राम में सैन्य एवं राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा, राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल, सतना सांसद और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में आम जन पहुंचा था। पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई। मध्य प्रदेश शासन ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपयों की सम्मान राशि और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। तो वहीं शहीद के नाम से क्षेत्र में स्मारक भी बनाया जाएगा। शहीद की पत्नी अपने पति के द्वारा देश के लिए दिए गए इस बलिदान पर गर्व जताई है। ये जनता को देख के मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने बहुत नाम रोशन करा। दुख तो बहुत है क्योंकि गर्व भी बहुत है। गर्व के साथ कहते हुए मैं CISP पटेल की फैमिली लक्ष्मी पटेल कहते हुए दुख से भी सुख के कहते हुए भी मैं सोचती कैसे सोची भी नहीं थी कि मेरे पति इनके आज इतने सब वीर पूरे देश के भारत पूरे साथ हैं उनके। आखिरी बात कब आपसे बात हुई थी? मुझे शाम को हुई 6 बजे। अच्छा रात में ये घटना सुबह हुई, पता नहीं कितने बजे हुई, शाम को 6 बजे हुई। बोले कि मैं चाय पी लिए आप? मैंने बोला नहीं पी, गर्मी बहुत लग रही है, मुझे पी लो। नहीं पी, बाद में पी लूँगी। उन्होंने बोला ठीक है मैं चाय पी लेता हूँ, बाद में बात करूँ। उसके बाद मेरे से कोई बात नहीं हुई। अच्छा आखिरी जो कोई ख्वाहिश रही हो जो ना पूरी हो पाई रही हो ऐसा कुछ? ख्वाहिश यही है मेरे बेटे की शादी, उनका बहुत सपना था, छोटे बेटे सुरेंद्र कुमार पटेल एक इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी शादी के लिए उनका बहुत तमन्ना था कि शादी कर लो। तीन सौ 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद पे बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ है पुलवामा की घटना के बाद, पर आतंकवादी पाकिस्तान से अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जितनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता गोली का जवाब गोली दिया जाएगा। मुझे आज फख्र है, उनकी पत्नी सामने बैठी है। मैंने जब उनसे अफसोस किया मेरी आंखें नम हो गई। क्या कुछ और लोग भी इस तरीके से ऐसी हमारी माँ से सबक सीखेंगे? क्या कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहूँगा ऐसी बहादुर पत्नी हमारी माँ से कोई सबक सीखेंगे? जब हमारे हर व्यक्ति के अंदर हमारा मकसद होगा मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा हटा करके इस भारत के आतंकवाद से मुक्त किया है, एक तिरंगा झंडा, एक संविधान, एक जनगण मन, रोज आप देखते रोज शहादतें होती थी, आज हमारे जवानों की शहादतें अभी भी होती हैं हमें पता है। अब तो मुझे फख्र है इस शहादत के ऊपर और इस मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर, ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान जी के ऊपर। पहले नहीं ऐसा था, पहले परिवारों के परिवार रुल जाते थे, हम उन परिवारों से जुड़े हैं। आज उनको नौकरी भी होगी, आज उनको जो फाइनेंस पोजीशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह स्टेट गवर्नमेंट वो भी मिलेगी और उनके परिवारों की भी देख रेख होगी। ये मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है, मैं उनका इस परिवार के साथ खड़े हैं, कोई तकलीफ होगी आधी रात हम हाजिर हैं। CM साहब ने आपको निर्देशित किया है, क्या कहना चाहते हैं कुछ शहादत पर? निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ASI शंकर प्रसाद पटेल जी शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं,
निश्चित से इस समय में उनके परिवार में कठिन दुख का समय आया है, पर ऐसे शंकर प्रसाद पटेल जैसे वीर बहादुर जो शहादत होते हैं उनके कारण आज देश सुरक्षित है, देश के लोग सुरक्षित हैं, सीमा सुरक्षित है, और आज उनके शहादत से देश को, प्रदेश को और ज़िले को निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति हुई है जिसको पूर्ण करना कठिन है। मैं देश के की ओर से, प्रदेश की सरकार की ओर से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, अपनी ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हमको भेजा है कि उनके सम्मान में 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के 1 सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने का काम होगा। लोकल स्तर पर हर शहीदों के नाम, वहाँ के कॉलेज, स्कूल, वहाँ एक शहीद स्मारक बनाने का काम होता है, इनके नाम से भी बनाया जाएगा। कौन है? पानी रुक ला दो। मैं अमर शहीद शंकर प्रसाद पटेल के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया। जम्मू में आतंकवादियों से लड़ते हुए सुजवामा सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर लड़ते लड़ते अपने कर्तव्य की बलवेदी पर भारत माता के चरणों में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं उनके शौर्य को प्रणाम करता हूं। उनका परिवार जिसमें पत्नी और 2 पुत्र है, पिताजी हैं, माताजी हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। परिवार के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। शंकर प्रसाद पटेल केवल एक परिवार के बेटे नहीं है, वो पूरे देश के बेटे हैं, पूरे प्रदेश के बेटे हैं। प्रदेश की और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। इस असाधारण शौर्य के लिए, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने के लिए, इसकी कोई कीमत वास्तव में नहीं होती।
उनको प्रणाम ही किया जा सकता है, लेकिन परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों से चर्चा करके परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा, जैसा परिवार चाहेगा, उनकी पत्नी या परिवार की जो इच्छा होगी उनको उनकी प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर चर्चा करके लगाई जाएगी और किसी संस्थान का नाम भी उनके नाम पर किया जाएगा। आज उनके अंतिम संस्कार में राज्य शासन की ओर से मेरे प्रतिनिधि के रूप में रामखिलावन पटेल हमारे मंत्री जी भाग लेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं। जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं हैं, मर के भी अमर हो जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम।